जय जय श्री राधे कृष्णा, हरि हर महादेव। जनमत की पुकार न्यूज चैनल दिल्ली में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। आइए जानते हैं 12 राशियों का फल, किस व्यक्ति की बदल सकती है भाग्य की रेखा, किस व्यक्ति के भाग्य में लिखा है राजनीतिक सत्ता अथवा व्यापार। सबसे पहले राशि मेष। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम रहेगा। यदि आप यात्रा करते हैं तो गुड़ खाकर ही जाएं, और यदि आप पीड़ित हैं तो आपको चाहिए हनुमान जी की आराधना करें, अथवा जल में रहने वाली मछलियों को आटे की गोली बना करके डालें। दूसरी राशि वृक्ष। वृक्ष राशि का स्वामी शुक्र है। आप शुक्र को प्रबल करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, मोती अथवा ओपल रत्न धारण करें। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ कार्य रहेगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आप भी रत्न धारण करना चाहते हैं तो मोती रत्न धारण करें। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आप कहीं आज अन्यत्र बाहर जा सकते हैं और अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न होगा। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वाले मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, घर परिवार वालों से अच्छे संबंध होंगे। आज आठवीं राशि वृश्चिक राशि वालों को जमीन जायदाद से संबंधित किसी बात को लेकर के झगड़ा की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सचेत और सतर्क रहें। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को यात्रा से सावधान रहें, गाड़ी घोड़ा इत्यादि संभल कर और देख कर ही चलाएं। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन व्यापार में आज आपके लिए लाभदायक रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, घुटनों में दर्द की स्थिति रह सकती है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन आज आप हृदय रोग से संबंधित कोई अचानक बीमारी की स्थिति बन सकती है, इसलिए आप विशेष धैर्यपूर्वक ही रहें और अटका हुआ काम आपका सिद्ध संपन्न होगा। आज आप दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप पीड़ित हैं तो आप शनि कवच अथवा राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान अष्टक आदि का पाठ करें और नीलम रत्न धारण करें। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति होगी। स्थानांतरण जैसे योग आपको बन रहे हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर कोई नया व्यापार अथवा नया काम शुरू कर सकते हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, ज्योतिष तंत्र इत्यादि के अनुष्ठान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।